भगवान अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ बैठ गए भोजन प्रसाद पाने। अब भगवान का नियम था नित्य कि वो अपने ग्वाल वाल सखाओं की थाली से उनके ही भोजन से भोजन पाया करते थे। आज जब सखाओं के साथ भोजन पा रहे तो इन सखाओं में सबसे गरीब सखा है मधुमंगल। मधुमंगल जैसे ही भगवान को देखता तो मन में सोचता है कि मेरे घर में भी कुछ अपना होता कहने के लिए तो मैं भी अपने लाला को पवाता, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं तो इसे पवाऊं क्या। भगवान भी कहते हैं आपके मन के विचार को जान जाते हैं, भगवान भी जान गए। इसलिए भगवान ने कहा कि आज तो हम सिर्फ और सिर्फ मधुमंगल के घर का ही भोजन पाएंगे। मधुमंगल अत्यंत गरीब थे, मधुमंगल के घर में पाने के लिए अपना एक दाना नहीं था। मधुमंगल जो पाते थे गोविंद के घर का ही पाते थे, लेकिन भगवान भगवान है, ईश्वर ईश्वर है। इसलिए कहा कि आज हम पाएंगे तो सिर्फ मधुमंगल के घर का पाएंगे, नहीं तो आज हम भूखे रहेंगे। मधुमंगल ने जैसे ही सुना कि कन्हैया ने भरी सभा मेरा इतना सम्मान किया, दौड़ लगा दी, तू मेरे घर का पाएगा लाला, अभी लेकर के आता हूँ। दौड़ करके गया। ये ज्ञान नहीं है, ये होश नहीं है कि मेरे घर में तो कहने का अन्न का दाना भी एक मेरा अपना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा, मेरी मैया ने कुछ तो रखा होगा, इसलिए दौड़ लगा दी। दौड़ करके गए। पूर्णमासी काकी जो थी वो माला कर रही थी, क्यों लाला आज तू जल्दी आ गया, पूजा कर रही थी, उसी समय बोल पड़ी कि तू जल्दी आ गया, इतनी जल्दी क्यों आ गया। कहा मैया बड़ी विचित्र घटना घटी, आज मेरे कन्हैया ने भरी सभा में मेरा बड़ा सम्मान किया है, जो कछु भी घर में है वह मोए दे दे, क्योंकि आज मैं कन्हैया के लिए लेकर के जाऊंगा। कन्हैया ने संकल्प लिया है कि आज हम सिर्फ मधुमंगल के घर का भोग पाएंगे। मैया ने कही कि लाला तुझे तो पता है ना कि तू स्वयं कन्हैया के घर का पाता है, भजन में सत्संग में कहीं मुझे मिल जाए कुछ तो मैं उसे पा करके अपना जीवन यापन करती। इसलिए अक्सर एक बात ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि भंडारा जो होता है ना उसमें किसको पाना चाहिए, बोले योग्य को कभी भी भंडारे का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप समर्थ हो, आपके घर में दाना है, आपके घर में अन्य है। भंडारे किसके लिए होते हैं, बोले जो अयोग्य हैं, असमर्थ हैं, जिनके यहाँ दाने नहीं होते, भोजन नहीं होते, उनके लिए भंडारा होता है। अगर आप योग्य हैं, आप में समर्थता है, तो कभी भी किसी भी जगह जाइए, भंडारे में बिल्कुल कुछ मत पाइए, थोड़ा सा ले लीजिए, प्रसाद है उसी को ग्रहण करिए। लेकिन महाराज यहाँ तो झोला ले लेकर के चले हैं, बहुत जगह तो ऐसा देखे हम कि कथा से ज़्यादा तो भंडारे में भीड़ है रही है, टिफ़न ले लेके आए, पैक करके भी ले जाएं तो उसमें पाप लगता है। ये बात अपनी बुद्धि में बिठा लीजिए, भंडारा उसके लिए होता है जो असमर्थ अयोग्य हैं, जिनके पास खाने के लिए दाने नहीं हैं, उनके लिए भंडारा किया जाता है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करवाई जाती। और आप योग्य हो, आप उसको पा रहे हो तो पाप लगेगा ना, इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर वही कह रही है पूर्णमासी का कि मैं भी तो सत्संग में जो मिल जाता है वही पा करके जीवन यापन करती हूँ, नहीं मिलता तो भूखी रह जाती हूँ। अब मान लो आप पा रहे हो और किसी अयोग्य को नहीं मिल पाया तो वो भूखा सोएगा, आप पे पाप चढ़ेगा ना, क्योंकि आपके घर में खाने की स्थिति अच्छी है, फिर भी आप अपने घर में ना खा करके उसके हिस्से का भंडारे में खा रहे हो तो आप पर पाप लगेगा। इसलिए ऐसा अपराध करने से बचिए, और सिर्फ वो अयोग्य के लिए होता है, असमर्थ के लिए होता है, उन्हें पाने दीजिए, पाइए। एक तिनका भी बहुत होता है प्रसाद का, एक तिनका ले लीजिए, लेकिन भर भर के टिफ़न नहीं ले जाना है महाराज भंडारे का, जिनकी आवश्यकता है उनको पाने दीजिए। तो यहाँ पर पूरनवासी काकी ने कहा कि लाला मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन देख ले कुछ मटकी में रखा हो तो शायद मिल जाए। देखा जा करके मटकी खोल करके तो 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी थी, मन भी खट्टा हो गया, लेकर के नहीं जा सकता, पर संकल्प किया है तो पाएगा, वो मेरे यहाँ का ही नहीं तो भूखा रह जाएगा। उस मटकी को लेकर के जा रहे हैं, कढ़ी को लेकर के। मधुमंगल विचार करते जा रहा है कि जो माखन खाए, मिश्री खाए, जो मखाने की खीर पाए, उसे कैसे ये खट्टी पवा दूँ, खट्टी कढ़ी को पवा दूँ। तो मधुमंगल ने सोचा कि मुझे ऐसा पाप नहीं करना चाहिए, आज समझा लूँगा लाला को, कल बनवा के लाऊंगा कुछ ना कुछ उसके लिए। इसलिए करूँ तो करूँ क्या, अगर इस मटकी को फेंकता हूँ तो आवाज़ सुन लेगा और कहेगा कि तू हमारे लिए लेकर के आया, फिर हमें दिया क्यों नहीं। अगर छुपाता हूँ तो ढूंढ लेगा और पान कर जाएगा, पाप लगेगा मुझे। इसलिए मधुमंगल ने क्या किया, जल्दी जल्दी उस कढ़ी को स्वयं पी गए, और जब जल्दी जल्दी पान कर रहे तो आवाज़ पहुँच गई कहाँ,
कन्हैया और ग्वाल वाले सखाओं के पास। सखाओं ने कहा कि देखियो तो लाला, जब मधुमंगल कहा कर रहा जाने तेरे ताई भोग लाई, प्रसाद लाई और स्वयं पा गया। कन्हैया ने कहा, क्यों रे मधुमंगल, हमने कही थी ना कि हम तेरे यहाँ का पाएंगे, फिर तू हमारे लिए लेकर गया, खुद क्यों पा गया। मधुमंगल ने कही, लाला आज क्षमा कर दे, आज मेरे पास कुछ भी नहीं था मेरे घर में, कल तेरे लिए सुंदर मखाने की खीर बनवा कर खिलाऊंगा, आज माफ़ कर दे। कन्हैया ने कही, हमने एक बार कह दी तो कह दी, संकल्प संकल्प होता है, हमने एक बार संकल्प ले ली तो ले ली कि पाएंगे तो आज पाएंगे और तेरे घर का ही पाएंगे। मधुमंगल को भी थोड़ा रोष आया, क्रोध आया और कहा कि जब है ही ना तो कहाँ पाएगा। कन्हैया ने कही कि तेरे पास नहीं है, लेकिन जो तेरे मुख में लगी वो मेरे लिए बहुत है, और जीभ निकाल करके भगवान उस कढ़ी को चाट रहे हैं जो मधुमंगल के मुख पर लगी हुई थी। इसलिए हरि सिर्फ हृदय देखते हैं और भगवान झूठी कढ़ी भी पान कर लेते हैं यदि आपके अंदर भाव है तो। यह दृश्य देख रहे थे कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को विस्मय हो गया, इसीलिए कहा ना शुरू में ही कह दिया था पहले ही श्लोक में ही कि मुह्यंति यत सूर्यः, अर्थात बड़े बड़े सूर्य वीर भी मोह को प्राप्त हो गए, इसकी लीला को नहीं समझ पाए, हम क्या समझेंगे महाराज। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये भगवान है, भगवान कभी किसी की झूठी कड़ी खाता है? और यदि नहीं है तो स्तुति करने तो मैं भी गया था, इसका परीक्षण लेना चाहिए। भगवान आकर के ग्वाल बाल सखाओं के साथ बैठ गए, उधर ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा करके भाग गए। अब कन्हैया बछड़ों को ढूंढने गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुरा लिया। अब एक तरफ ग्वाल बाल नहीं, एक तरफ बछड़े नहीं, एक बार तो कन्हैया भी भयभीत होकर के रोने लगे, पुकारने लगे, लेकिन जब कोई नहीं दिखा तो नेत्र बंद करके देखा और देख करके कहा, राधे राधे, नेत्र बंद करके कहा कि ये ब्रह्मा ने हमसे चालाकी की, ब्रह्मा हमारे पिता बन रहे हैं, हम इनके पिता, ये हमारे पिता बन रहे हैं, अब तो देखो ब्रह्मा तुम्हारे साथ क्या करते हैं। भगवान ने अपने ही शरीर से वही ग्वालवाल, वही छड़े, वही छीके, वही बछड़े उत्पन्न कर दिए। एक वर्ष तक ये लीला चलती रही। एक दिन बलराम भैया ने देखी कि जो गौए हैं ये अपने बालकों से, बछड़ों से पहले से ज़्यादा प्रेम कर रही, एक वर्ष से कुछ ज़्यादा ही प्रेम कर रही है, तो कन्हैया से कही कि चोरे कन्हैया जे कहाँ लीला चल रही। बोले बलराम भैया समझ तो सारी बात गए हो ना, बस लीला का अंत ही होने वाला है। उधर ब्रह्मा जी ने सोची कि देखें तो सही कि जो यहाँ हैं उनके बिना ब्रज की स्थिति कैसी है। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा तो वही ग्वाल बाल नीचे, वही ऊपर, वही बछड़े नीचे, वही ऊपर। ग्वाल बाल बछड़ों को देख करके ब्रह्मा जी की भी मति घूम गई, पता लगाने के लिए आ गए। कहा, बोले वृंदावन में आ गए। जब ये वृंदावन आए तो इनकी गद्दी वहाँ खाली हो गई ब्रह्मलोक में। भगवान ब्रह्मा का रूप लेकर के पहुँच गए ऊपर ब्रह्मलोक में और द्वारपालों को कह दिया कि बहुरूपी बहुत डोलते रहते हैं, जब कोई आए हमारी तरह तो उसे भगा देना, और जा करके अंदर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी ने सब कुछ देखा और देख करके लौटे तो द्वारपालों ने कहा, रुक जाइए, अंदर नहीं जा सकते। बोले भांग चढ़ा रखी, अपने मालिक को अंदर नहीं जाने देते। बोले ब्रह्मांड का एक ही मालिक होता है, वो अंदर बैठा हुआ है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो जाने नहीं देते हो, लेकिन देखने तो दो कौन है। जैसे ही ध्यान लगा करके देखा तो भगवान भी नैनों को मटका करके कहते, क्यों ब्रह्मा जी, तुमने हमारे ग्वाल वाल चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी चुरा ली, अब जाओ तुम गली गली घूमते रहो ऐसे। ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति की, लेकिन भगवान एक शब्द नहीं बोले और प्रार्थना की, हे ईश्वर भगवान, विधाता तो आप ही हो, लेकिन अपराध मुझसे हुआ, मैंने आपको ही छला और आपके साथ धोखा किया, इसलिए आपसे इस अपराध का प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। भगवान की 40 मंत्रों में स्तुति की, लेकिन भगवान एक शब्द नहीं बोले। और जब भगवान लौट करके आए तो ग्वाल वाले सखा कहें कि मैया आज तेरे लाला ने अघा सुर मारे हो। तो मैया उतारे राई नोन और कन्हैया मुस्कुराए और सोचे कि अघा सुर मारे हो एक वर्ष पहले और राई नोन उतर रहो एक वर्ष के बाद, ऐसी हरि की लीला अनंत है महाराज।